आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं जनपद बिजनौर की कुछ खास खबरें। बता दें कि धामपुर सीएचसी में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें के आर राठौर चिकित्सा प्रभारी द्वारा सीएचओ व संघियों की एक बैठक बुलाकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कराने का संकल्प लिया है और उसी को लेकर अब हर माह की 15 तारीख को निश्चय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीएचओ अपनी ओपीडी के 10% टीबी के रोगी चयनित करेगी और आशाएं घर घर जाकर टीबी के लक्षण वाले रोगी को चयनित कर हॉस्पिटल तक लाएंगी। एसटीएल विकास डाबन ने भी टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी और सीएचओ से ज़्यादा मरीजों को चयनित कर हॉस्पिटल लाने की सलाह दी। इस दौरान डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अंकिता, अशोक साहू, यशवंत आदि उपस्थित रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज सीएससी धामपुर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर के आर राठौर जी ने सीएचओ और संगनियों को टीबी के बारे में जानकारी दी, उनके लक्षण, उनके बचाव के कैसे बचाव किया जाए टीबी से, इस बारे में उनको जानकारी दी। और 2025 तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त करने का एक संकल्प लिया है, जिसके उद्देश्य से हर माह की 15 तारीख को एक निश्चय दिवस का आयोजन किया जाएगा। सीएचओ अपनी ओपीडी के 10% पेशेंट जो है वो टीबी के लक्षण वाले जो पेशेंट है उनको सीएचसी पर या पीएचसी पर, जहां जांच टीबी की होती है, वहां पर भेजेंगे और आशाएं भी घर घर जाकर टीबी के पेशेंटों को चयनित करेंगी और उनको इलाज पर लाएंगी। इस उसमें बीपीएम मनीष जी, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अंकिता, अशोक साहू और यशवंत जी शामिल रहे। ओके, थैंक यू।